देख रहे हैं फोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। तो मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगी टेक्नो कैमन 15 की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेक्नो कैमन 15 तो पहले ही से कर चुकी है, लेकिन वो था टेक्नो कैमन 15 प्रो, यानी कि इससे अप वर्जन था। और अब हम करेंगे टेक्नो कैमन 15 की अनबॉक्सिंग। तो कैमन 15 की अगर मैं बात करूँ तो ये अब तक की सबसे अच्छी बजट डिवाइस होने वाली है पाकिस्तानी मार्केट में। इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है क्योंकि ये अपनी प्राइस रेंज में बहुत अच्छे स्पेक्स ला रही है, बहुत अच्छे फीचर्स ला रही है। स्पेशली इसका कैमरा काफ़ी बड़ा दिया गया है, इसका जो डिस्प्ले है वो भी बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है 22,499। तो आपको पता है कि इस प्राइस रेंज में आपको ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, लाइक कहीं कभी कभी आपको प्रोसेसर अच्छा नहीं मिलता, आपको कैमरा अच्छा नहीं मिलता, या आपको बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी शिकायत होती है, या आपको डिस्प्ले की तरफ से, क्योंकि बजट डिवाइसेज जो होती हैं वो साइज़ में ज़रा छोटी होती है, उतनी बड़ी नहीं होती। तो आजकल आपको पता है कि ज़्यादा बड़े डिस्प्ले का ट्रेंड चल रहा है। खैर, अगर हम टेक्नो कैमन 15 के बॉक्स की तरफ देखें तो फ्रंट पर आपको नज़र आ रहा है इसका पंच होल डिस्प्ले। तो कैमन 15 प्रो में आपको पॉपअप कैमरा मिल रहा था, इसमें आपको पंच होल मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो इनकी जो पहले डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी पाकिस्तानी मार्केट में, कैमन 12 एयर, तो उसमें भी आपको पंच होल दिया गया था, जो कि बहुत ही कम प्राइस रेंज में टेक्नो ने इंट्रोड्यूस करवाया था पंच होल। तो वहाँ से ये ट्रेंड चल पड़ा है, इसमें भी आपको पंच होल मिल रहा है। बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो इसके हाईलाइट फीचर्स हैं। इसमें है 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्वाड कैमरा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस प्राइस रेंज में आपको कैमरा बढ़ा दिया गया है, इसमें अल्ट्रा नाइट लेंस दिया गया है, और इसके साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है, 6.6 डॉट इन डिस्प्ले दिया गया है। बाकी जो है इसकी रैम एंड रोम की अगर मैं बात करूँ तो 4GB ऑफ रैम आपको मिल रहा है, 64GB आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो वही बात के 22,499 की प्राइस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फ़ोन अच्छा मिल रहा है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसको करते हैं अनबॉक्स। ओके, तो हम करने लगे हैं टेक्नो कैमन 15 को अनबॉक्स। सबसे ऊपर आपको मिल रही है एयरलिंक की ऑफिशियल वारंटी, इसमें आ रही है 13 मंथ्स की वारंटी, वैसे आपको 12 मंथ्स की मिलती है। तो हम इसको करते हैं अनबॉक्स और प्लास्टिक रैपर को करते हैं रिमूव। इसकी अगर प्रोसेसर की मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक हेलो P22, जो कि आपको मिल रहा था टेक्नो कैमन 12 एयर में भी। तो यहाँ पर आपको मिल रही है दोबारा से वही हाईलाइट्स फीचर इसके मिल रहे हैं, 48 मेगापिक्सल इसमें आपको मेन कैमरा लेंस दिया गया है। इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि है अल्ट्रा नाइट लेंस आपको दिया गया है, जो कि आपको फ्रंट कैमरा में मिलता है और बैक कैमरा में मिलता है। इसके बारे में डिटेल्स तो हम साथ साथ बताते चलेंगे, लेकिन इसको मैं कर लेती हूँ ऑन और इसकी फिज़िकल ओवरव्यू की बात करते हैं। तो अगर आप इसके बैक पैनल पे देखें तो सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ेगी वो इसके कैमरा सेटअप पे पड़ेगी, जो कि आपको अक्सर ये वाला जो सेटअप मिलता है ये आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिल रहा है। तो टेक्नो कैमन 15 में आपको ये चीज़ मिल रही है कि इसका जो बैक पैनल है वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, प्रीमियम सी लुक आ रही है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और टेक्नो की ब्रांडिंग मिल रही है। इसका बैक पैनल जो है वो है प्लास्टिक का, बाकी कुछ डिज़ाइन है यानी कि ज़िगज़ैग सा आपको मिल रहा है। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, तो मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसिंग मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है इसमें मैक्रो लेंस, एंड एक आपको QVGA कैमरा मिल रहा है। अगर हम इसके साइड्स पे देखें तो आपको मिल रहा है राइट साइड पे इसके पावर बटन एंड वॉल्यूम की, एंड इसके साथ आपको लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट, एंड इसके साथ सबसे फ्रंट पे अगर आप देखें तो आपको मिल रहा है पंच होल डिस्प्ले। तो इसको हम कर लेते हैं ऑन और इसके साथ मैं बाकी चीज़ों की तरफ देखती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो आपको मिलती है यहाँ पे चार्जिंग केबल जो कि है माइक्रो USB, एंड आपको मिलता है यहाँ पे हैंड्स फ्री, जिसकी जो क्वालिटी है वो बस नॉर्मल सी है, एंड इसके साथ आपको मिल रहा है ये चार्जर। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 13 मंथ्स की आपको वारंटी मिल रही है, ये आपको पेपर वर्क मिल रहा है, एंड ये आपको मिल रहा है इसका केस मिल रहा है, बैक कवर मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको टेक्नो की ब्रांडिंग भी मिल रही है, एंड इसके साथ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कैमरा सेटअप है, तो अगर आप डिवाइस को कवर लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह की लुक देगा। मेरे ख्याल में बैक कवर बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन स्क्रैचेस से बचा रहे, सेफ़ रहे, क्योंकि गिरने से फ़ोन के कैमरा पे भी ज़ाहिर असर पड़ता है एंड डिस्प्ले वगैरह पे भी। तो बाकी जो है इसमें क्या है, हमारे पास एक और चीज़ भी मिल रही है, देखते हैं ये क्या है। ओ वाओ,
ग्लास प्रोटेक्टर भी दिया गया है। वैसे बजट डिवाइसेस में मैंने अब तक ग्लास प्रोटेक्टर नहीं दिया, आपको प्लास्टिक प्रोटेक्टर ही मिलता है, लेकिन ये आपको ग्लास प्रोटेक्टर मिल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ जो है ऐड की गई है। ओके, हम कर लेते हैं चीज़ों को साइज़ पे और डिवाइस को हम लोग दोबारा से एक नज़र देखते हैं। फिज़िकल ओवरव्यू की हमने तो बात कर ही ली थी, लेकिन मैं सोच रही थी इसकी सिम स्लॉट चेक कर लेते हैं कि इसकी सिम स्लॉट की क्या सिचुएशन है, क्योंकि इसमें जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 64 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 4 GB ऑफ रैम मिल रहा है। वैसे बजट डिवाइसेस में अक्सर आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता भी है, तो इसमें भी आई होप के आपको दिया गया होगा। तो ये ट्रिपल स्लॉट आपको मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, अगर अच्छा ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसको जल्दी से करते हैं सेटअप। तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है, फेस अनलॉक भी मिल रहा है, तो इसका फिंगरप्रिंट स्पीड भी चेक करेंगे एंड इसकी फेस अनलॉक भी चेक करेंगे। वैसे बजट डिवाइसेस में भी आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, फिंगरप्रिंट तो मिलता ही है, लेकिन मैटर क्या करती है कि स्पीड, फिंगरप्रिंट की तो फिर भी आपको अच्छी मिल जाती है स्पीड, लेकिन फेस अनलॉक अक्सर मार खा जाता है इसमें। तो हम इसको चेक करेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी अच्छी जो है वो आपको स्पीड दी गई है। ओके, डिवाइस ऑन होने लगी है क्योंकि इसका सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो डिवाइस हो गई है ऑन, इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.6 इंच का LCD स्क्रीन आपको मिल रही है, पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, जो डिवाइस का साइज़ है वो बड़ा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बजट डिवाइसेस में आपको बड़ा साइज़ मिलता है। इसके साथ अगर आप इसके बेजल्स को देखें तो चिन की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी जो है बेजल्स काफ़ी ज़्यादा कम दिए गए हैं, तो डिवाइस की फर्स्ट लुक काफ़ी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही जो है, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, लेकिन इसका जो वेट है वो इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्टिंग कर रहे हैं, वन हैंड यूज़ के लिए डिवाइस जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसके इंटरफेस को देखें तो इस पर आपको मिल रहा है iOS 6 एंड ये जो बेस्ड है ये है Android 10 पे, जो कि लेटेस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बजट डिवाइसेस में, और मेरे ख्याल में टेक्नो कैमन 15 वो पहला फ़ोन है जिसमें आपको Android का लेटेस्ट OS मिल रहा है, और ये एक प्लस पॉइंट हो गया इसका। इसके साथ इसमें जो बैटरी है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये इसकी वो हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो कि आपको बजट फ़ोन में ज़्यादातर नहीं मिलती। ओके, बात करते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में, बात करते हैं लाइक इसके प्रोसेसर की एंड इसके कैमरा कितने हैं, इसमें बाकी कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपके बजट फ़ोन में अभी तक नहीं मिली। तो इसमें MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर है, जो कि अक्सर लोग कंप्लेन तो करेंगे कि ज़्यादा कर सकते थे ये, लेकिन अब इसके बारे में क्या कह सकती हूँ कि बजट फ़ोन में आपको ज़्यादातर जो है वो MediaTek का Helio P22 ही दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें गेमिंग जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो गेमिंग अगर आप इसको मीडियम सेटिंग पे करेंगे PUBG तो वो इजीली आप खेल सकते हैं, इस तरह कोई मसला नहीं होता। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत जो है वो लैग फील होगा, लेकिन गेमिंग के लिए आपके पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप गेमिंग के लिए डिवाइस परचेज करें। हाँ, अगर आप कैमरा लवर हैं तो आप कैमरा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है मेन कैमरा 48 MP एंड इसके साथ इसमें एक आपको मिल रहा है नाइट लेंस, जो कि नाइट मोड है। बेसिकली आपका क्या काम करता है कि अगर आप नाइट फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो रात में आपकी पिक्चर्स ब्राइट आ सकती हैं, अच्छी आ सकती हैं। इसमें आपको फ्रंट पे भी जो है वो नाइट लेंस दिया गया है। इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 16 MP का। तो इसकी सेल्फ़ी मैं चेक कर लेती हूँ कि इसकी सेल्फ़ी कैसी है। तो अगर इसके सेल्फ़ी कैमरे की मैं बात करूं तो मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विदाउट ब्यूटी फिल्टर भी ली हैं, तो वो भी अच्छी हैं, और ब्यूटी के साथ भी जो है वो पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा वो जो आपको मिल जाती है ना फेक सी आर्टिफिशियल से कलर्स मिल जाते हैं वो नहीं है, तो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, नॉट बैड। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा मैंने ओपन किया है, इसमें आपको AI कैम मिल रहा है, ब्यूटी का ऑप्शन मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड का मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो मैं बता रही थी सुपर नाइट लेंस मिल रहा है। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसके साथ इसकी जो वीडियो है वो आपको नज़र आ रहा है 1080p तक की सपोर्ट करती है, रेयर कैमरा पर भी और बैक कैमरा पर भी। बैक कैमरे की डिटेल्स की तरफ चलते हैं, तो बैक कैमरा पर भी आपको AI कैम मिल रहा है, ब्यूटी बोके इफेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर सुपर नाइट मिल रहा है, एयर शॉट मिल रहे हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्पीड एंड इसका फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट हमने सेट कर लिया है, तो अब हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसका फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, फिंगरप्रिंट मुझे काफी तेज लग रहा है। ओ वाओ, बस टच करो ये ओपन हो रही है डिवाइस, तो फिंगरप्रिंट जो है वो पास हो गया है। अब हम इसका फेस अनलॉक चेक करते हैं। Not bad.
अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो फिंगरप्रिंट है उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, फेस अनलॉक जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा डिले है, लेकिन फिर भी अगर आप 22,499 को देखें तो इस प्राइस रेंज में आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपको मिल रही है इसकी बैटरी, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है, आपको बार बार चार्ज करने की टेंशन नहीं होगी। 5000 mAh की बैटरी आपकी 2 दिन ईजिली निकालेगी। इवन आप अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं तो परफेक्ट है उसके लिए। और इसके साथ इसमें आपको लेटेस्ट OS मिल रहा है, जो कि आपको बजट डिवाइसेस में नहीं मिलता। तो अगर आप कैमरा के शौकीन हैं, अगर आप बजट डिवाइसेस में बड़ी बैटरी चाह रहे हैं, अच्छा डिस्प्ले चाह रहे हैं, अच्छी लुक्स चाह रहे हैं, तो आप टेक्नो कैमन 15 परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में आपको बहुत सारे फ़ोन मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है वो कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा, आपको बैटरी अच्छी नहीं मिलेगी, आपको डिस्प्ले जो है वो बड़ा नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। इसका रिव्यू अभी हम बहुत जल्द पब्लिश करेंगे अपने चैनल पे, लेकिन इससे पहले हम करेंगे इसको यूज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्सिंग है जो हमें देखनी है। इसकी गेमिंग करनी है, इसका हीट टेस्ट करना है, इसकी बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक करना है, इसके कैमरा टेस्ट करने हैं, तो वो हम सब कुछ रिव्यू में ही जो है वो इंक्लूड करेंगे। अनबॉक्सिंग में ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। खैर, आप अपने कॉमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है टेक्नो कैमन 15 के बारे में, और आप क्या चाहते हैं कि इस डिवाइस को किस डिवाइस के साथ कंपेयर कर सकें हम लोग। और अगर आपने हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए जल्दी से जल्दी 100K। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।